हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरआरबी ग्रुप डी में वैकेंसी आई हुई हैं बहुत सारी। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी है और उसकी लास्ट डेट कब है, फॉर्म फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट कब है और कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी पोस्ट हैं और फीस कितनी है और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगी। आई फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं इसकी पब्लिकेशन डेट से। ये जो इसकी नोटिफिकेशन इशू हुई थी वो हुई थी 23/2/2019 को, मतलब 23 फरवरी को। तो उसके बाद जो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है वो है 12/3, यानी मतलब आज से स्टार्ट है 12/3/2019 से लेके शाम को 5 बजे आज स्टार्ट होगा से लेके और 12/4/2019 तक रात को 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है पेमेंट, मतलब फीस। फीस कौन कब तक फीस आप पेमेंट कर सकते हो, फिर आप सबमिट कर सकते हो 23/4/2019 तक और 18/4/2019 तक SBI से। SBI नेट बैंकिंग वगैरह सब दिया हुआ है इसमें। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो वैकेंसी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ रेलवे, रेलवे सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। अब मैं आपको बता दूंगा टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे असिस्टेंट पोस्टमैन के लिए हैं 14,870 पोस्टें और जो है ये दूसरा असिस्टेंट ब्रेज का उसके हैं 913। तो रिक्रूटमेंट ग्रुप फोर्थ के लिए है 40,721 और टोटल पोस्टें हैं 56,504 पोस्टें। लेकिन ये तो 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे 56,000 दिखा रहा है, बाकियों के लिए भी होंगी, बाकी मतलब पोस्टें भी होंगी। और यह इसकी फिजिकल जो डेट है वहाँ यहाँ पे दी हुई है कि इसका जो हो टेस्ट होगा वो कब होगा। यहाँ पे जो इसका ये यहाँ पे जो फाइनल सबमिशन है ये 26/4 को होगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो होगा टेंटिव डेट आई ये हुआ है कि उनने बोला है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा इसका जो एग्ज़ाम। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दिया है एज वगैरह कितनी, एज कितनी चाहिए, तो आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th+ है और अगर ITI है तो ITI भी होनी चाहिए अगर आपके पास अलग से ट्रेड है, तो ITI के लिए अलग से वैकेंसी होगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये दिया थोड़ा पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न का 90 मिनट का होगा, उसमें से जनरल साइंस का आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का आएंगे 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आएंगे 25, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का आएंगे 20। हो गया टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे उसके बाद आपको फिजिकल होगा, यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल होगा 35 kg वेट आपको उठाना है और 100 मीटर भागना है 2 मिनट में, और लड़कियों को 20 kg वेट है 2 मिनट में 100 किलोमीटर भागना है, 100 मीटर भागना सॉरी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।